हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम आपको सैंडविच या बर्गर के लिए हम आलू को फ्राई करके बताने वाली हूँ कि कैसे उसमें हम आलू फ्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कढ़ाई गर्म कर ली हूँ, इसमें तेल है थोड़ा। अब इसमें हम थोड़ा पचफोरन डाल देंगे क्योंकि आलू मेरा कम है। ये देखिए 6 आलू है छोटे छोटे, तो इसी के अनुसार हम डालेंगे इसमें पचफोरन मेरा। जैसे ये चटक जाएगा तेल, देखिए गर्म हो गया है। अभी इसमें हम हींग डाल देंगे थोड़ा। अब देखिए ये फोरन गर्म हो गया है, फोरन भी हो गया है मेरा। अब इसमें हम डालेंगे, इसमें प्याज है और एक छोटा लहसुन है, अदरक है थोड़ा, इसका हींग यहाँ डाल देंगे। देखिए इसको हम थोड़ा हल्का फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन। लेकिन इसमें हरा मिर्च डालेंगे थोड़ा और इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। मेरा ये मसाला इस तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम ये आलू दम मसाला है, ये सब्जी मसाला जो भी हो आपके पास थोड़ा डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालें, थोड़ा मिर्च डालेंगे। इसे हम इस तरीके से देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे और ये आलू है इसको डाल देंगे और इसको हम गिलास की मदद से पीस देंगे। इसमें अभी नमक डालना है हमको, इसमें हम हल्का नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। वैसे हम एक गिलास ले लेंगे या मैशर होगा उससे हम इसे बढ़िया तरीके से इस तरीके से आलू को चूर लेंगे। देखिए हम आलू को चूर लिए हैं, तो इस तरीके से मेरा भरता बन गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। देखिए तो फाइनली मेरा आलू भरता बन के तैयार हो चुका है, फ्राई हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।